दूर वनांचल क्षेत्र के पारेमेर गांव में गधेड़ महिला शराब सेवन के बाद बेहोश हो गई। आपको बता दें कि आज से तीन दिवस पूर्व पारेमेर गांव निवासी अधेड़ महिला कौशल्या मंझवार उम्र तकरीबन 46 साल देशी महुआ का सेवन की, उसके बाद ही वो बेहोश हो गई, जिसे परिजनों द्वारा तीन दिन तक आसपास के ओझा बैगा से स्वास्थ्य में सुधार लाने के उद्देश्य से झाड़ फूक कराते रहे। लेकिन जब महिला के स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं आया और महिला बेहोश हालत में ही रही, तो उसे आज 108 के माध्यम से इलाज के लिए धर्मजयगढ़ सिविल हॉस्पिटल लाया गया, जहां बेहोश ग्रामीण महिला का उपचार जारी है। इधर शिकायत भरे लहजे में लोगों का कहना है कि आजकल महुआ शराब में यूरिया का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसको पीकर लोगों का स्वास्थ्य खराब हो रहा है। इस पर आबकारी विभाग को रोक लगाना चाहिए। जल्द अवैध शराब तैयार कर पैसा कमाने की लालच में यूरिया का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस तरह लोगों की जान से खिलवाड़ हो रहा है। परिजनों की माने तो बेहोश महिला कौशल्या मंझवार जब से शराब पी है तब से अचेत अवस्था में है, उसे होश नहीं आया। हालांकि इलाज जारी है। महिला की हालत फिलहाल गंभीर बताई जा रही है, जिसकी वजह विलंब से अस्पताल लाना बताया गया। परिजनों का कहना है कि तीन दिनों तक गांव में झाड़ फूक क्षेत्रीय झोला छाप डॉक्टर से स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए इलाज कराते रहे, आखिरकार धर्मजयगढ़ हॉस्पिटल लाना पड़ा, जहां फिलहाल महिला का सघन उपचार जारी है। समय न्यूज के लिए धर्मजयगढ़ से असलम खान की रिपोर्ट।